السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. किसी भाई ने सवाल किया है कि अल्ताफ हुसैन क्या गद्दार वतन है और क्या वतन से मोहब्बत जायज़ है। पहली बात तो प्यारे भाई, ये सियासी सवालात हैं, हमारा फील्ड, हमारी दावत वो दीन का पैगाम पहुंचाने की है, लेकिन चूँकि सवाल किया गया है उसका मजबूरन जवाब दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान जहाँ पैदा होता है, जो उसका वतन होता है, उससे मोहब्बत की जाती है और फितरी बात है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो उन्हें मक्के की भरपूर याद आई। कई सहाबा के शआर हैं उस वक़्त अपने वतन की याद पे, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनके दिल के अंदर मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे। तो अपने वतन की मोहब्बत, जहाँ इंसान पैदा हुआ, जहाँ इंसान पला बड़ा, उसकी मोहब्बत फितरी बात है, इंसान के दिल में होती है। रहा मामला अल्ताफ़ हुसैन का, तो इसमें क्या शक है कि ये गद्दार वतन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कुफर है कि इंसान मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफार की मदद करे, ये कुफर है। और इसकी हालिया तकरीर के अंदर इसने यहूदियों से मदद मांगी, मुशरकीन से मदद मांगी, हिंदू से मदद मांगी कि हमारी मदद करो। तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफार की मदद करना तो कुफर है, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूद नसारा और मुशरकीन से मदद मांगना, क्या ये बिलौला कुफर नहीं है? एक दीनी नाहिये से और वतन के नाहिये से बिल्कुल ये गद्दारी है कि आप अपने ही ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ कुफार और मुशरकीन से मदद मांगे। और फिर जो ज़ुबान इस्तेमाल की है अर्ज़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, वो इंतहाई नाकाबिल कबूल है। अल्लाह की रहमत के बाद ये मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे ये अपने मुल्क को दुश्मनों से बचा के रखते हैं। ये एक ज़रिया होते हैं जो मुल्क की सरहदों पर पहरे देते हैं ताकि मुल्क की बाशिंदे आराम से सो सकें। ये अपनी जानों पर खेलते हैं ताकि आपकी जानें महफूज रह सकें। तो उनके ख़िलाफ़ यहूद नसारा और हिंदू से और मुशरिकीन से मदद मांगना, ये कौन सा दीन है, कौन सा ईमान है? और इस तंजीम की बुनियाद ही लिसानियत पर है, कौमियत पर है, जो जिहालत की पुकार है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए और दीन हक़ पे कायम रखे। दीन हक़ पे ही हमारी मौत।